वगैरह चीज़ें, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पहले भी ये सफाई पखवाड़ा चालू किया था। चूँकि आप लोगों ने ही प्रश्न किया है कि पहले चालू हुआ था जब थोड़ी व्यवस्था ठीक थी, लेकिन बीच में फिर वापस से व्यवस्था डगमग गई। तो चूँकि मैं अपने आप को इस गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मेरी ही कुछ कमजोरी रही बीच में, शादियों का समय था, आप सब जानते हैं मैं थोड़ी शादियों में व्यस्त हो गई थी, इस कारण से समय नहीं दे पाई। लेकिन आज से वापस से हमारा ये अभियान पखवाड़ा जो चालू हुआ है ये निरंतर चलेगा, ये अब बंद नहीं होगा। ठीक है, रोज का हमने 2 वार्ड लिए हैं, जैसे कि आज 1 नंबर और 17 नंबर, ऐसे ही कल 2 नंबर और 18 नंबर, ऐसे लगातार चलेगा। और चूंकि आपका प्रश्न था कि ये नालियों में से निकालते हैं लेकिन वो हटाते नहीं है तुरंत, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी चूंकि हमारे माननीय अध्यक्ष जी प्रतिनिधि ओपी भैया और सुभाष जी हमारे उपाध्यक्ष जी, इन्होंने एक मेट्रो की सभी की बैठक ली थी 4 दिन पहले, और सबको सख्ती से कह दिया था इन दोनों ने कि भैया अब ऐसा नहीं चलेगा, नगर में हमें बहुत शिकायतें आ रही है, हम तो पूरा 100%, हमारी परिषद पूरा 100% देने को तैयार है, लेकिन कहीं हमें अगर ऐसा लग रहा है कि इनकी कमजोरियों की सजा हमें मिल रही है तो वो अब ऐसा नहीं होगा। हमारे अध्यक्ष और हम कहीं भी अगर इस तरह की कोई गलती देखेंगे या पाएंगे तो हम तुरंत उन्हें नोटिस देंगे, उन पर सख्ती भी की जाएगी, और आप सबका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है, मिलता रहे। और मैं आप सबके चैनल के माध्यम से नागरिकों से भी कहना चाहती हूँ कि 50% अगर भागीदारी हमारे सफाई कर्मचारियों की है तो 50% हमारे नागरिकों की भी है। क्योंकि होता ही है कई बार देखने में आता है कि हम कहीं भी कचरा डाल देते, जैसे कि उदाहरण के लिए शादियां का समय चल रहा है, जब शादियों में रास्ते में कहीं भी कोई अगर मान लो कुछ देता है, आइसक्रीम वगैरह कुछ भी, तो वो सब खा के और वहीं डाल देते। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी नागदा की नागरिकों से मेरा निवेदन है कि कम से कम इस तरह की गंदगी हम भी हमारे द्वारा ना करें, ताकि इन लोगों को भी सहयोग मिले और हमारा नागदा नंबर 1 आए। ऐसी ही आशा और विश्वास के साथ जय हिंद जय भारत।